नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। इस बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं दिनभर की बड़ी खबरें डीवी लाइव के सौजन्य से, उसके बाद कुछ मनोरंजन की क्लिप्स। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए इस बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं दिनभर की बड़ी खबरें। नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के बड़े ऐलान की, देखेंगे मोदी और संघ क्यों आए आमने सामने, उमर के केंद्र सरकार पर बड़े आरोपों को, जानेंगे झारखंड बीजेपी की बढ़ती परेशानी को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। केजरीवाल ने सीएम आतिशी को लिखी चिट्ठी, बीजेपी पर बोला हमला, आरएसएस के कार्यकर्ताओं का काम दरी बिछाना। बिहार में एक और पुल ढहने पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा इनके भ्रष्टाचार की जड़ें जितनी गहरी, पुल के पिलर उतने ही सतही। भारत बांग्लादेश के बीच कानपुर में टेस्ट मैच में मौसम ने डाला खलल, बारिश के चलते पहले दिन 35 ओवर का हुआ खेल, बांग्लादेश ने 3 विकेट पर बनाए 107 रन। शेयर बाजार में गिरावट, 264 अंकों की गिरावट के साथ 85,571 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 40 अंकों की गिरावट के साथ 26,175 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर में दो चरण में 50 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, बची 40 सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि हरियाणा की सभी 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को वोटिंग है। वोटिंग से पहले आज कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों ने जमकर प्रचार किया और एक दूसरे पर सियासी तीर चलाए। तो आज चुनाव प्रचार में क्या था खास, देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। राहुल गांधी की जम्मू कश्मीर में दो रैलियां थी, पहली रैली रामगढ़ में थी तो दूसरी रैली खौर में थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और खराब मौसम के चलते रैलियों को रद्द करना पड़ा। 28 सितंबर को प्रियंका गांधी कश्मीर में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच रही है, उनकी दो रैलियां हैं। इस बीच बीजेपी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में 3 रैलियां की। रेवाड़ी में पहली रैली में शाह ने कहा सेना में भर्ती होने वाले हर अग्निवीर को पेंशन वाली देंगे। शाह ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस एमएसपी का दावा कर रही है, लेकिन पहले कांग्रेस शासित राज्य में एमएसपी लागू करके दिखाए। शाह के बयान पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पलटवार किया। उन्होंने डीबी लाइव से बातचीत करते हुए कहा कि चुनाव के समय बीजेपी की सरकार कहती है कि 24 फसलों पर हम एमएसपी देंगे, लेकिन हरियाणा में तो 24 फसलें होती ही नहीं है, तो एमएसपी किस पर देंगे। बीजेपी सरकार धान पर 23 रुपए एमएसपी का दावा करती है, लेकिन हरियाणा की मंडियों में 1800-1900 से ज्यादा कीमत नहीं मिल रही है। बीजेपी के घोषणा पत्र को कांग्रेस की कॉपी बताते हुए हुड्डा ने कहा कि पहले हमारा घोषणा पत्र आया और फिर दूसरे दिन बीजेपी वाले घोषणा पत्र ले आए। हमने कहा कि 2 लाख पक्की नौकरी देंगे तो बीजेपी ने भी इतने की ही बात की। बीजेपी दावा करती है कि 1.5 लाख नौकरी दी, लेकिन क्या दिया। नौकरियों में ना तो मेरिट है और ना ही आरक्षण। जिस नौकरी में 40,000 मिलने चाहिए उसमें 15,000 रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन हम पक्की नौकरी देंगे। साफ है कांग्रेस के दावों के आगे बीजेपी हाफती हुई दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव खत्म होगा तो महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव शुरू हो जाएगा। वैसे इन दोनों राज्यों में चुनाव की तैयारियां पूरी हो गई हैं, बस चुनाव की तारीख का ऐलान होना है। झारखंड में चुनाव की समीक्षा चुनाव आयोग की टीम कर चुकी है और अब तो वो महाराष्ट्र के दौरे पर है। तो चुनाव आयोग से महाराष्ट्र के दलों ने की है क्या मांग और कब होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान, देखिए रिपोर्ट। चुनाव आयोग की टीम महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुंबई पहुंची है। चुनाव आयोग अगले 2 दिन तक राज्य में चुनावी तैयारी की समीक्षा करेगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी भी वक्त विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। ऐसे में सभी सियासी दलों ने चुनाव आयोग से बड़ी मांग कर दी है। सियासी दलों ने महाराष्ट्र में एक ही चरण में विधानसभा चुनाव कराने की मांग की है। चुनाव अधिकारियों का मुंबई दौरा अहम माना जा रहा है। 28 सितंबर की सुबह करीब 9 बजे चुनाव आयोग की टीम प्रदेश के सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों के साथ मीटिंग करेगी। शाम 4 बजे अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसके बाद अधिकारी दिल्ली वापसी करेंगे और ऐसे में उम्मीद है कि चुनाव आयोग एक ही चरणों में चुनाव का ऐलान कर सकता है। अभी तक ये संकेत मिल रहे थे कि महाराष्ट्र और झारखंड में 2-2 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन राजनीतिक दलों की मांग के बाद कहा जा रहा है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों के बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का ऐलान हो सकता है। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में प्रदेश में आचार संहिता लागू होने की संभावना है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है, तो उससे पहले ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव ने बीजेपी की नींद पहले से ही उड़ा रखी है, क्योंकि उसे हार मिलती दिख रही है। लेकिन पीएम मोदी को सबसे ज्यादा परेशानी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर दिख रही है, क्योंकि अब आरएसएस अड़ गया है। उसने बीजेपी हाईकमान को सीधे चेतावनी दे दी है,
तो क्या है संघ का रुख जिससे मोदी और शाह दोनों ही दिख रहे हैं परेशान, देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर संघ और बीजेपी के बीच संग्राम चल रहा है। पार्टी को इसी साल के आखिरी तक नया अध्यक्ष मिलना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अध्यक्ष पद पर अपनी पसंद का आदमी चाहते हैं, लेकिन आरएसएस ने साफ कर दिया है कि अब मोदी शाह की मोनोपोली नहीं चलेगी। सत्ता और संगठन दोनों पर एक ही आदमी का दबदबा नहीं रहेगा। संगठन की जिम्मेदारी ऐसे आदमी को दी जाएगी जो संगठन के हित में फैसले ले सके। वैसे संगठन और सरकार में बीच समन्वय रहना चाहिए, लेकिन सत्ता के लिए संगठन को कमजोर करना पार्टी के खिलाफ जा सकता है। आरएसएस की तरफ से पीएम मोदी को विकल्प दे दिया गया है, सत्ता या संगठन में से एक का चुनाव कर ले। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है, बल्कि वो तो संगठन को भी अपनी जेब में ही रखना चाहते हैं। दरअसल ये चर्चा नागपुर में संघ नेताओं और अमित शाह के बीच हुई बड़ी बैठक में हुई। नागपुर में संघ मुख्यालय पर हुई बैठक में संजय जोशी को बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने पर मोहर लगाई जा चुकी है। संघ की तरफ से अब सिर्फ एक नाम बीजेपी को भेजा गया है और वो नाम संजय जोशी का है। बीजेपी अध्यक्ष को लेकर मोदी और शाह की तरफ से कुछ नाम संघ को सुझाए गए थे, जिसमें देवेंद्र फडणवीस, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव सहित करीब एक दर्जन लोगों के नाम थे, लेकिन आरएसएस ने सभी नाम खारिज कर दिए और संजय जोशी का नाम सामने रख दिया। संजय जोशी का नाम सुनते ही पीएम और गृह मंत्री यानी मोदी और शाह दोनों ही चिंता में दिख रहे हैं, क्योंकि जिस नेता को मोदी बीजेपी में ही नहीं लेना चाहते उसे संघ पार्टी की कमान सौंपने की बात कर रहा है। जिसके बाद बीजेपी और आरएसएस वैसे ये कहें कि पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत आमने सामने आ गए हैं। संजय जोशी को रोकने की पूरी कोशिश पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से हो रही है, लेकिन इस बार संघ अड़ गया है जिससे मोदी और शाह परेशान है। वहीं उनके इस परेशानी को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के उस बयान ने और बढ़ा दिया है, जिसमें उमर ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए पीएम मोदी ने राज्य में फैली अशांति को लेकर पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। तो क्या कहा है उमर अब्दुल्ला ने, देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण की वोटिंग से पहले वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। पीएम मोदी, अमित शाह जहां बीजेपी के प्रचार की कमान संभाले हुए हैं, तो इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं। इस बीच उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए पीएम और गृह मंत्री दोनों को ही निशाने पर ले लिया है। उमर ने कहा, आज जम्मू में जो हालात हैं, आज जम्मू में जो अशांति छाई हुई है, आज हमारे वीर जवानों को निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी को इसका जवाब देना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि 2014 के बाद जम्मू में शांति क्यों कायम नहीं हो पाई, पिछले तीन सालों में अचानक ही हिंसा का ग्राफ क्यों बढ़ गया, ये उनकी विफलता है, उन्हें इसे स्वीकार करना चाहिए और लोगों से माफी मांगनी चाहिए। उमर ने कहा कि जब वे जम्मू कश्मीर में बोलते हैं तो इसके लिए तीन परिवारों को जिम्मेदार ठहराते हैं, जब वे जम्मू कश्मीर के बाहर बोलते हैं तो कहते हैं कि इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं और पाकिस्तान को क्लीन चिट दे देते हैं। अगर आपने यहाँ पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है तो आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप देश के बाकी हिस्सों के सामने कुछ और कहते हैं और जब आप जम्मू कश्मीर में आते हैं तो कुछ और कहते हैं। क्या चुनाव के लिए बीजेपी पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रही है, सवाल पीएम मोदी और गृह मंत्री पर उठ रहे हैं। तो दूसरी तरफ सवालों में संसद की स्टैंडिंग कमेटियों का गठन भी आ गया है, क्योंकि इसमें विपक्ष को उसका पूरा हिस्सा नहीं मिला है। तो स्टैंडिंग कमेटियों की किसे मिली कमान, देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार पर तानाशाही और मनमानी के आरोप लगते रहते हैं। विपक्ष आरोप लगाता है कि सरकार अपनी मनमानी करती है। सरकार की ये मनमानी अब स्टैंडिंग कमेटी के गठन में भी देखने को मिली। बता दें कि सरकार ने तीसरे कार्यकाल में साल 2024-25 के लिए 24 डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया। हर समिति में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य शामिल हैं। इसमें भी सरकार ने अपनी चलाई। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस ने केंद्र सरकार से 6 स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्षता की मांग की थी, लेकिन उसे सिर्फ 4 प्रमुख पैनलों की अध्यक्षता दी गई है। इसमें विदेश, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण मामलों की समिति शामिल है। राहुल गांधी को रक्षा मामलों की समिति का सदस्य बनाया गया है। वहीं टीएमसी और डीएमके के खाते में 2-2 समितियों की अध्यक्षता आई है। जेडीयू, टीडीपी, एसपी, शिवसेना, एकनाथ, एनसीपी, अजीत को 1-1 समिति की अध्यक्षता दी गई है, जबकि लोकसभा में समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, फिर भी उसे 1 सीट दी गई। बीजेपी ने सबसे ज्यादा यानी 11 समितियों की अध्यक्षता अपने पास रखी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और आईटी समिति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हैरानी की बात यह है कि किसानों के खिलाफ उल जुलूल बयान देने वाली कंगना को इनाम दिया गया है। मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत भी इस समिति के सदस्य बनाई गई है। स्टैंडिंग कमेटी की बात करें तो कुल 24 पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को 2 हिस्सों में बांटा गया है। 16 कमेटी लोकसभा में आती हैं, वहीं 8 कमेटी राज्यसभा के अंतर्गत संचालित होती हैं। और अब इसी समिति के गठन के बाद विपक्ष मोदी सरकार पर एक बार फिर हमलावर हो गया है और गंभीर आरोप लगा रहा है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य लगभग बराबर हैं, लेकिन विपक्ष से दोगुना कमेटियों की कमान सत्ता पक्ष के हाथ में है।
बीजेपी विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन असर उल्टा दिख रहा है। बीजेपी खुद ही बिखरती दिखाई दे रही है। खबर आ रही है कि पंजाब के बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। चुनाव के बीच बीजेपी को लगातार झटके लग रहे हैं और अब हरियाणा के बाद बीजेपी को पंजाब से बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल पंचायत चुनावों से पहले सुनील जाखड़ ने बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। चुनाव के बीच जाखड़ का इस्तीफा बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि पार्टी ने जाखड़ का इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं किया है। खबरों के मुताबिक काफी समय से सुनील जाखड़ पंजाब बीजेपी की बैठकों से दूरी बनाए हुए थे। कहा जा रहा था कि रवनीत सिंह बिट्टू के लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए जाने से जाखड़ नाराज चल रहे थे। बिट्टू को बीजेपी ने राजस्थान से राज्यसभा भेजा है, जिसकी वजह से जाखड़ पार्टी से नाराज चल रहे थे। बता दें कि फिलहाल जाखड़ के इस्तीफे की खबरों को बीजेपी के तमाम नेता खारिज कर रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि पार्टी के नेता जाखड़ को मनाने में जुटे हुए हैं और इसीलिए अभी तक सुनील जाखड़ ने भी अपने इस्तीफे को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। बहरहाल जाखड़ के इस्तीफे पर मोहर तो अब 30 सितंबर को बीजेपी की मीटिंग के बाद ही लग पाएगी, लेकिन चुनाव के बीच इस तरह जाखड़ के इस्तीफे की खबर ने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है। सुनील जाखड़ के इस्तीफे की खबर से बीजेपी हिल गई है। असर हरियाणा तक दिखाई दे रहा है। वैसे बीजेपी के लिए संकेत झारखंड से भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, जहां जल्द ही चुनावों का ऐलान होने वाला है। चुनाव के ऐलान से पहले एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर टकराव तेज हो गया है। शाह का फॉर्मूला कामयाब नहीं हो रहा है। झारखंड में एनडीए के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर बवाल मचा हुआ है। अमित शाह ने आज सीट बंटवारे को लेकर बैठक भी की, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। दरअसल सीट बंटवारे को लेकर सहयोगियों का दबाव बीजेपी पर बढ़ता जा रहा है। आजसू, जेडीयू, मांझी की हम और चिराग पासवान की एलजेपीआर झारखंड में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और अब बीजेपी के लिए सभी को मनचाही सीट देना मुश्किल दिख रहा है। झारखंड में विधानसभा की 82 सीटें हैं और बीजेपी कम से कम 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। 12 सीटों के अंदर वो सहयोगी दल को समेटना चाहती है, लेकिन सहयोगी दल करीब 25 सीटों पर दावा जता रहे हैं। आजसू 12 मांग रही है, जेडीयू ने भी 4 सीटों पर दावा ठोका है, एलजेपीआर भी 6 सीट मांग रही है, तो मांझी भी 3 सीटों पर दावेदारी जता रहे हैं। साफ है, अगर बीजेपी इन दलों को उनकी मर्जी के अनुसार सीट दे देती है तो बीजेपी के पास 57 सीटें ही बचेंगी। इस बीच चिराग पासवान की एलजेपी की तरफ से तो बीजेपी को सीधे धमकी ही दे दी गई है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी के साथ एलजेपीआर का गठबंधन सिर्फ बिहार के लिए है। अगर झारखंड में बीजेपी चाहती है कि एलजेपीआर गठबंधन में रहे तो उसे सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए, नहीं तो हम चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। साफ है, झारखंड चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका मिलने वाला है। और बुलेटिन के आखिर में देखें, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब।